क्रिसमस ईसाइयों का प्रमुख त्योहार है। दिसंबर माह की 25 तारीख को यह मनाया जाता है। ईसाई धर्म को मानने वाले लोग इस दिन अपने घरों को बहुत ही सुंदरता से सजाते हैं और चर्च में जाकर प्रभु यीशु से सुखी जीवन की प्रार्थना करते हैं। लोग वैसे तो अपने घरों को अलग अलग तरीके से सजाते हैं, लेकिन क्रिसमस पर लाल, हरा और गोल्ड इन तीन रंगों का प्रयोग किया जाता है। क्रिसमस से प्रतीकात्मक और से ये रंग जुड़े होते हैं और इनके कुछ विशेष अर्थ भी हैं। आइए आपको बताते हैं क्रिसमस के इन रंगों के महत्व के बारे में। लाल रंग यीशु के खून का प्रतीक लाल रंग है। यह दूसरों के प्रति उनके प्यार को दर्शाता है। मानवता का पाठ भी लाल रंग पड़ता है। यह खुशी भी प्रदान करता है। जहाँ ये रंग होता है वहाँ प्यार हमेशा बना रहता है। हरा रंग प्रकृति को संबोधित करता है। ईसाई धर्म के अनुसार हरा रंग प्रभु यीशु के शाश्वत जीवन का प्रतीक है। भले ही यीशु को जबरदस्ती मार दिया गया हो, लेकिन आज भी वे हमारे दिलों में जिंदा हैं। सुनहरा रंग किसी को उपहार देना ईसाई धर्म में गोल्डन कलर का मतलब होता है। ईसाई धर्म को मानने वालों के मुताबिक भगवान ने गरीब मरियम को अपने बेटे को जन्म देने के लिए चुना था। यूसुफ व मरियम ने यीशु को बचाने के लिए सभी बाधाओं का सामना किया। प्रभु ने यीशु के रूप में ये अमूल्य उपहार मानव जाति को दिया। इसी कारण इस दिन उपहारों का आदान प्रदान भी किया जाता है।